खबर हमीरपुर से है, जहां रूम हीटर ने ली मां सहित दो मासूम बच्चियों की जान। सर्दी से बचाने के लिए मां ने जलाया था हीटर, शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, हीटर से लगी आग रजाई तक पहुंची। आग लगने के चलते मां सहित दो मासूम बच्चियों की हुई मौत। दर्दनाक हादसे में सूचना मिलती ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर, पुलिस ने मां सहित तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भेजा। मामला थाना कुरारा इलाके के जल्ला गांव जल्ला का मामला। रिपोर्टर हरनारायण प्रजापति, हमीरपुर। ठीक है, थाना कुरारा क्षेत्र में आज यहां पर ग्राम जल्ला में ये सूचना पुलिस को मिली थी कि रात के लगभग 10:30 बजे एक यहां पर गांव के एक घर में आग लग गई, और उस आग लगने से यहां पर कुछ लोगों को आग में जल गए हैं। तो मौके पर आके जाँच की गई है और थाना पुलिस और साथ ही यूनिट की टीम, सभी लोग मौके पर उपस्थित थे, मैं स्वयं उपस्थित था। तो यहाँ जांच में ये प्रकाश में आया है कि एक कमरे में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, जिनका नाम अनीता पत्नी राजूपाल है, और साथ में इनके दो छोटे बच्चे जिनकी उम्र लगभग 6 वर्ष और 3 वर्ष है, ये तीनों सो रहे थे। और उसी दौरान जो कमरे में हीटर, जो रूम हीटर था, उससे शॉर्ट सर्किट हुआ है और इनके बिस्तर में और इनके कपड़ों पर आग लग गई, और उसी अवस्था में इनकी बॉडी जली हुई पाई गई है। तो इसमें पंचायतनामा के लिए बॉडी को भेज दिया गया है और साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है।